नवजात चक्रा, आई होप कि आपने पार्ट वन देखा हो। देखा है पोजीशन नाउन का? मुझे सडनली उसको बंद करना पड़ा, मैंने आपको बाय नहीं बोला उसके लिए, सॉरी। ओके, तो हम पार्ट टू की तरफ बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि पार्ट वन आपको अच्छा लगा। पार्ट टू में हम वीडियो भी देखेंगे उस चीज़ की, और पार्ट वन को ख़त्म, और पार्ट वन जो वहीं पे हमने छोड़ दिया था उसको पार्ट टू में ख़त्म करेंगे। उससे पहले सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक माई वीडियो। ओके, आपको पहले मैं बता दूँ आपको कैसे लाइक करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो यूट्यूब, आप मेरा चैनल सर्च कर सकते हैं। ओके, मैं अपनी खुद की वीडियो नहीं कर सकती, आप मान लीजिए कि मेरा चैनल ये है। सो आप यहाँ पे सब्सक्राइब बटन आ रहा है, आप यहाँ पे ये जाओगे, फिर यहाँ पे बेल आइकन ऑल दबाओगे एंड लाइक बटन भी दबाना है। ओके, हम चलते हैं। ये था हमारा सेकंड पार्ट। ओके, हमने छोड़ा था अपना यहाँ पे रस्किन बोन वाले में, मैंने बता दिया था रस्किन बोन्स स्टोरी, ठीक है। अब हम वैल्यू कॉर्नर पे चलते हैं कि क्या बता रहा है। यू आर प्लेइंग इन अ पार्क विद योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में खेल रहे हो। सडनली यू सी अ बैग ऑन द बेंच, आपने एकदम से देखा कि एक बेंच पर बैग रखा है। वो किसी भी आपके फ्रेंड पे बिलोंग नहीं करता। आप उसको पिक करोगे और इन्फॉर्म करोगे अपने बड़े को। आप ये क्यों करोगे? क्या आप अपने बड़े को इसके बारे में बताओगे, और आप क्यों बताओगे? ये वैल्यू क्वेश्चन है, बताओ। मैंने आपको इतना सारा बता दिया, आप ये नहीं बता सकते क्या? आप ये बताओ, वैल्यू कॉर्नर, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, इस कोरोना वायरस की स्थिति में नहीं हो सकते, आप अपने पेरेंट्स से पूछो, मुझे बताओ। अगर आपको तब भी नहीं आता, ओके, तो आप एक काम करिए, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बताना कि मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं उसका आंसर बताऊंगी, या इस सिंपल एक क्वेश्चन के लिए आपके लिए एक वीडियो भी डाल सकती हूँ। ओके, वैसे इसका मतलब ये था कि ये बैग किसी को ब्लॉक नहीं कर रहा था, तो आप अपने बड़ों से पूछोगे, उनको बताओगे या नहीं बताओगे, ये क्वेश्चन है। ओके, लेट्स रिवाइज। अब हम रिवाइज करते हैं। वी गो विथ सिंगुलर प्लूरल नाउन नॉट एंडिंग इन एस टू शो पोजिशन और बिलोंगिंग। हम सिंगुलर प्लूरल नाउन की तरफ जाते हैं, जैसे जो एस में एंड नहीं होते वो हमें पोजिशन और बिलोंग दिखाते हैं एपोस्ट्रोफी एस लगाने से। आई गो विद सिंगुलर एंड विद एस टू, हाँ। अब लास्ट में अगर एंड और आए हमारा सिंगुलर प्लूरल वर्ड, तो हम क्या करेंगे? हम उसमें एस नहीं लगाएंगे, हम उसमें सिंपल एपोस्ट्रोफी का साइन लगा देंगे। ओके, आई होप कि आपने इतना समझा हो। मैं एक बार और आपको दो एग्जाम्पल्स, मोर एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा देती हूँ पूरे पार्ट को। ओके, हमने कल पढ़ा था, मुझे वो पिक्चर देखने दो, कहाँ पर है? मैंने एडिट किया ये री या सो हमने पढ़ा था, हमने कोई एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चा है तन्नु, दूसरा है हर्षित, तीसरा है भविष्य, चौथा, मैं अपना खुद का नाम लेती हूँ नव्या, कि चार बच्चे हैं, ठीक है। समझो ये चार बच्चे एक बेंच पर बैठे हैं, उनको एक सनग्लास दिखा, उन्होंने कहा ये सनग्लास किसका है? तो एक बच्चे ने पूछा, समझो तन्नू ने पूछा कि ये सनग्लास किसका है? तो वो कैसे पूछेगी? जैसे उसने हर्षित से पूछा कि दिस सनग्लासेस बिलोंग्स टू यू हर्षित, तो उसको अपोजिशन में कैसे लाएंगे? ऐसे इज दिस हर्षित्स सनग्लासेस, ऐसे लाएंगे ना कि ये हर्षित का सनग्लास है, या उसने भविष्य से पूछा, मुझसे पूछा, तो क्या बोलेगी? इज दिस भविष्यस सनग्लासेस, उसने पोजीशन दिखाई ना, उसने पोजीशन दिखाई, इसलिए वो आया कि क्या ये हर्षित का सनग्लास है, क्या ये भविष्य का सनग्लास है ना? तो वो बिलोंग उसने दिखाया तन्नु ने सनग्लासेस को लेकर। या बच्चों, मैं एक बार और बता देती हूँ
कि आपके नाउंस पोजीशन ये है कि एक चीज़ आपको कितनी बिलोंग कर रही है, एक चीज़ को पोजीशन में लाना, एक चीज़ को बिलोंग करना कि वो किसको बिलोंग करी, वो किसको पोजीशन में है, ठीक है। इसको आप अपने बुक को पढ़ोगे ना तो ये बहुत इजी है टॉपिक, अपने बुक से खुद भी पढ़ोगे तो आपको आएगा। और मैंने ये वीडियो तो बनाई है ओके, और मैं इसकी एक यूट्यूब वीडियो आपके सामने ला रही हूँ, मुझे सर्च करने दो, उसको देखो आप, ठीक है। मैं किसी और की यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, मुझे माफ़ करना, दिखा रही हूँ। ये नॉर्मली क्लास सिक्स के लिए, पर क्लास सेवन भी कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना, ज़्यादा टाइम के नहीं है, सिर्फ 3 मिनट्स की, ओके। That's the most important thing about this. Sir, this gravy is a specialty of Radha's village. Okay, let's start this. आपको मज़ा आएगा। Possessive nouns. Look at the following sentences Ricky uses to tell about things that belong to his friends. This is Natasha's skirt. This is Tom's hat. या बच्चों, आपने देखा ना कि उसने कैसे बताया कि this is Natasha's bag, skirt, sorry. This is Tom's hat. उसने उसको belong करा कि ये किसका hat है, Tom का hat है। वो किसकी skirt थी, Natasha's की skirt थी। उसने apostrophe s लगा कर बताया हमें कि किसकी चीज़ है, इसकी चीज़ है, जिससे हमें अच्छे समझ भी आया। Let's start. This is Dan's photo. Dan's photograph. किसका photograph? Dan's photograph. This is Nikki's cat. The cat किसकी है? Nikki's की cat है. S लगा apostrophe. He uses apostrophe S, a special sign, to talk about these things. अब आप ये देखो, ये चारों अपने It देखो. It is called an apostrophe and S. Apostrophe S. A noun can show what it owns or possesses. आप इसके notes बना सकते हो. We add an apostrophe is to a noun to show ownership. A noun that shows ownership or relationship is a possessive noun. समझ आया आपको बच्चों? ये बिलोंगिंग बताई कि नताशाज की स्कर्ट है, ये टॉम की हैट है, और ये आपके डांस का फोटोग्राफ है, ये निकी की कैट है। ये चारों उसने अपनी ओनरशिप बताई कि वो चीज़ किसकी है। अब बच्चों, ये है इसका डेफिनेशन। आप इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हो, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बना सकते हो। अगर आपके पेपर में पूछता है तो आप वो बता सकते हो कि अ नाउन दैट शोज ओनरशिप, नाउन जो ओनरशिप, पोजेशन, रिलेशनशिप आपका खुद का, वो बता रहे आपको बिलोंग कर रहा है। ऐसे आप कह, आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, अ नाउन विच शोज द बिलोंगिंग्स ऑफ अ पर्सन ऑफ अ थिंक, वो होते हैं पोजेशन नाउन, जो बताता है कि ये एक चीज किसको बिलोंग, एक चीज ये मतलब कि इसका, इस एक चीज का ओनर कौन है, कि फोटोग्राफ का ओनर कौन है, डैन, मतलब किसको बिलोंग कर रही है फोटोग्राफ, डैन को। स्कर्ट किसको बिलोंग कर रही है, ओनर कौन है, नताशा, हैट, टॉम, ये आपको बताता है। मैं इसको अब चलाती हूँ, ध्यान ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, द कैट्स डिशेस, एग्जाम्पल आ गया आपके पास कि किसके खाना है ये, हमें तो नहीं पता किसका खाना है, हमने इसको पोजीशन मिला दिया, इसको ब्लॉग मिला दिया, उसके ओनर को ला दिया, उसके पोजीशन मिला दिया कि ये कैट का, कैट की डिशेज है, द कैट्स डिशेज, हमने एप्रोस्ट्रोफी एस लगाकर उसको बिलोंग में डाल दिया, द कैट्स
डिशेस. ओके अब आप सारे एग्जांपल देख लीजिए. एपोस्ट्रोफी एस शोज दैट द डिशेस बिलोंग टू वन कैट. A possession noun always comes before the noun that belongs to it. अब आपको समझ आया ये कि जो possession noun है वो हमेशा noun से पहले आता है. ये आपके लिए easy हो जाएगा. जैसे आपके हमने example ले लिया कि हाँ हमने Natasha skirt वाला example लिया या हमने cat ये ले लिया the cat's dishes. अब डिशेस तो हमारा नाउन हो गया पर ये कैट तो हमारा पोजेसिव नाउन हुआ. तो पोजेसिव नाउन किससे पहले आया? नाउन नॉर्मली नाउन के पहले आया. इसको भी याद रखो, ये मेन पॉइंट बन जाता है कि आपका पोजेसिव नाउन कब आता है, किससे पहले आता है, नाउन से पहले आता है. सारा देखो फॉर एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल्स. टॉम्स हैट हैट नाउन है और टॉम्स आपका पोजेसिव नाउन. टॉम्स is the possessive noun. ये possessive noun है. And hat is the noun. Certain rules are followed to form possessive nouns. अब कुछ rules है जो मैंने आपको बताए भी थे books के papers के थ्रू. We add an apostrophe s to make a singular noun possessive. Yeah, ये कुछ आए हमारे पास rules. इसमें भी rules आएंगे, मैंने बताए भी. Okay. Possessive noun. हम एस एपोस्ट्रोफी एस इसमें ऐड करते हैं, जैसे कैट बॉय टॉम, जो हमें बिलोंगिंग बता रहा हो किसी भी चीज़ का. ओके जैसे हमने कैट की बिलोंगिंग बताई, बॉय की बिलोंगिंग बताई, टॉम की बिलोंगिंग बताई कि किसकी डिश थी वो कैट की, बॉय सनग्लासेस किसके, बॉय के, हैट किसकी थी, टॉम की. ठीक है, हमने उसकी बिलोंगिंग्स बताई. और हमेशा पोजेसिव बनाने के लिए एक नाउन को उसके लास्ट में एस एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ता है. ओके आगे चलते हैं और रूल्स पढ़ो, फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा. फॉर एग्जांपल द विचेस ब्रूम. किसकी ब्रूम है? विच की. ओके विचेस आर ओनली एन एपोस्ट्रोफी टू मेक अ प्लूरल नाउन ending in s possessive. यही मैंने आपको बताया था, अगर लास्ट में पहले से ही वो प्लूरल फॉर्म में हो, पहले से ही अगर s लास्ट में आ रहा हो तो हम सिंपल उसमें डबल s ऐड नहीं कर देंगे कि एक s पहले से या एक और s ऐड कर दो apostrophe. हम सिंपल उसमें apostrophe का साइन ऐड करेंगे ओनली. ओके चलो आगे चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल द विचेस ब्रूम. किसकी ब्रूम? विचेस की. पहले से ही एस था, हमने सिर्फ इसमें एपोस्ट्रोफी ऐड करा. एन एपोस्ट्रोफी एस टू अ प्लूरल नाउन दैट डज नॉट एंड इन एस टू मेक इट पोसेसिव. हम एपोस्ट्रोफी एस तभी ऐड करते हैं जब लास्ट में कोई भी एक वर्ड ऐसे खत्म ना हो रहा हो. ऐसे बहुत वर्ड्स होते हैं जो ऐसे खत्म नहीं होते. राहुल तन्नु नंदिनी हर्षित भविष्य है या नव्य ले लो या कोई ले लो कुछ भी, जैसे मिसेस वर्मा ले लो. ऐसे एंड नहीं हो रहे ये, है ना. जब ऐसे एंड होते तो इनमें से हम इनमें ये ऐड करते ये. लेकिन अगर ये ऐसे एंड नहीं होते तो हम इसमें एपोस्ट्रोफी एस ऐड करते. एग्जांपल डियर्स एंटलर. अब डियर में लास्ट में एस नहीं है तो हमने इस पूरे को ऐड करा. ओके आई होप यू एंजॉय. मुझे तो बड़ी अच्छी लगी. अगर आपको मेरी वीडियो और ये वाली वीडियो दोनों अच्छी लगी सो प्लीज सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन. Okay, and like this video and share from here and comment here. Please बच्चों मेरी भी करो और पेरिविंकल के भी करो. I hope you enjoy. Okay, just a minute.
सो थैंक यू सो मच आपके लिए, आपके स्पिरिट के लिए आपको मेरा धन्यवाद. थैंक यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू.